रोल सर। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, कच्चा तेल, इसके दामों के बाद अब अप्रैल महीने से मोदी सरकार ने देश के नागरिकों की कमर तोड़ने के लिए और एक चीज के दाम बढ़ाए। वो दाम है हमारी जो जरूरतमंद दवाइयां हैं, लगभग 800 दवाइयों के दाम मोदी सरकार ने बढ़ाए। 1 अप्रैल से उसका गैजेट नोटिफिकेशन हो चुका है और ये दाम लगभग 11% के आसपास ये दाम बढ़े हैं, जिसमें सामान्य गोली भी है, अति महत्व जो लाइफ सेविंग गोलियां हैं वो भी है, दवाइयां हैं उस प्रकार के हैं। और एक प्रकार से जहां महंगाई से भारत के नागरिक जूझ रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की राहत तो सरकार दे नहीं रही, लेकिन अपने अलग अलग चीजों के दाम बढ़ाए रही है। और उसी में 800 इसेंशियल मेडिसिन्स का दाम नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने बढ़ाया। ये दाम जो बढ़े हुए दाम है, मुझे लगता है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मांग है कि ये बढ़े हुए दाम, दवाइयों के बढ़े हुए दाम, क्योंकि हम रोज पेट्रोल डीजल पे बात कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम मोदी सरकार नहीं कम कर रही, लेकिन दवाइयों के भी दाम उन्होंने 1 अप्रैल से बढ़ा दिए। ये दवाइयों के दाम इमीडिएटली मोदी सरकार ने इसको वापस लेना चाहिए और लोगों को दिलासा देना चाहिए।